नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। मिलन कार्यक्रम में जिला सैनिक परिषद गठन में जसपुर ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करने पर दी बधाई। जैसा कि आपको भली भांति विदित है कि आगामी 31 अक्टूबर 2024 को देश भर में दीपोत्सव पावन पर्व दीपावली बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर बाजारों में दुकानें सजी है और मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी जोरों पर है, जिससे बाजारों में लगी भीड़ से बाजार पूरी तरह गुलजार हो गए हैं। उसी क्रम में उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील के गांव गुलरगोजी से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां 31 अक्टूबर 2024 को बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बनाए जा रहा दीपों का उत्सव कहलाने वाला पावन पर्व दीपावली के उपलक्ष में सतीश कुमार फौजी पूर्व सैनिक के नेतृत्व में पूर्व सैनिक संगठन लिंक जसपुर ब्लॉक के बैनर तले पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों ने सतीश कुमार फौजी पूर्व सैनिक के कार्यालय ग्राम गुलरगोजी पहुंचकर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 14 अक्टूबर 2024 को जिले के मुखिया जिलाधिकारी उदयराज सिंह द्वारा जिला स्तर पर आगामी 2 साल के लिए गठित की गई जिला सैनिक परिषद गठन में ग्राम मंदुवाखेड़ा निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर हरपाल सिंह काम्बोज को जसपुर ब्लॉक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति किया गया। नवनियुक्त जसपुर ब्लॉक अध्यक्ष एवं रिटायर्ड सूबेदार मेजर हरपाल सिंह काम्बोज का कार्यक्रम में पहुंचने पर सभी पूर्व सैनिकों ने फूल माला पहनकर उनका जोरदार स्वागत कर उनको दिल की गहराइयों से बधाई दी और प्रोग्राम में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मिलन कार्यक्रम मनाया और साथ ही एक दूसरे को पावन पर्व दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। इसी दौरान जिला सैनिक परिषद गठन के नवनियुक्त जसपुर ब्लॉक अध्यक्ष एवं रिटायर्ड सूबेदार मेजर हरपाल सिंह काम्बोज ने सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताया कि यह संगठन पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों का संगठन है, जो सैनिकों के हित में कार्यरत है और यह आपदा की स्थिति में भी स्थानीय प्रशासन के साथ पीड़ितों को भी मदद दिलाने में सहयोग करता है एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के बारे में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को उसका लाभ दिलाता है और समाज हित में होने वाले कार्य के संबंध में उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार से लेकर जिला अधिकारी तक उनकी आए दिन मीटिंग भी होती रहती है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। सर, ये हमारा जो है एक पूर्व सैनिक संगठन है। ये संगठन जो है हम सब जसपुर ब्लॉक के पूर्व सैनिकों ने मिलकर बनाया है। इसमें हमारी जो भी वीर नारी हैं, जो हमारे वीडियोज हैं, हमारी सर्विस में वो शामिल हैं। अगर हमारे लिए जो है कोई भी किसी की प्रॉब्लम होती है, हम सब बेस्ट करके उसका यहाँ पर निवारण करते हैं और हम सपोर्ट करते हैं। और ये हमारा जो ग्रुप है, ये एक समाज सेवा काम भी करता है। जैसे कोई आपदा आ जाए तो आपदा में हमारा जो है सारा एक ग्रुप मिला हुआ है। इसकी हम जो है जिला अधिकारी महोदय के आदेश पर जो है इसकी हमारी तहसील में जो है एसडीएम के साथ मीटिंग होती है और हमारी वहाँ लिस्ट बनी हुई है। हमारा जो है दीपावली का जो है एक शुभ अवसर त्यौहार आ रहा है, तो हमने आज सब मिल करके यहाँ पर जो हमने दीपावली का जो है मिलन बनाया है। और यहाँ जो है हमारे जो भी किसी की कोई समस्या थी, हमने उस पर जो है विचार विमर्श किया है। इसमें हमारे जो जसपुर ब्लॉक है, पूरे जसपुर ब्लॉक से जो है हमारे जो है पूर्व सैनिकाएँ एकत्रित हुए हैं। दूसरा जो है आज साहब यहाँ पे जो है हमारा जिला सैनिक परिषद का जो है हमारा एक अभी नया गठन हुआ है, तो उसमें भी जो है मेरे को जो है जसपुर ब्लॉक का जो है जो है सदस्य अध्यक्ष बनाया है। तो जो है यहाँ पर जो है मेरे पूर्व सैनिक भाइयों ने मेरा जो है परिचय का जो है मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हम जो है पूर्व सैनिक जो है सब ने यहाँ पर भी जो है दीपावली मनाई और यहाँ जो है मिठाई की बांट के वितरण करके आप उसका सब स्वाद देंगे। और हम जो है सब पूर्व सैनिक, हमारी बिटोज, हमारी बीनारी, हम सब जो है अपने पूरे भारत के देशवासियों को सबको दीपावली की शुभकामनाएं। मेन विशेष आज का जो प्रोग्राम था हमारे पूर्व सैनिकों संगठन का, जो जसपुर ब्लॉक से संबंध रखते हैं, यहाँ एक मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन करी गई है, जो मेन पर्पज दीपावली के शुभ अवसर पर सबको बधाई देने का प्रोग्राम है। और यहाँ दूर दूर से जितने भी सैनिक हमारे क्षेत्र के आए हुए हैं, उनका सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।
और यहाँ हमारे जो अध्यक्ष जी हैं माननीय हरपाल जी, उन्होंने यहाँ बैठकर अपने स्पीच में कहा है कि जितने भी यहाँ के क्षेत्र के लोग आए हैं पूर्व सैनिक, तो उनकी जो समस्याएं होती हैं छोटी छोटी, विदुर हैं उनकी समस्याएं होती हैं, जैसे पेंशन बनाना है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो यहाँ बैठ के एक निवारण हो जाते हैं। और मेन पर्पज इस मीटिंग का यही है कि यहाँ सब लोग इकट्ठे होकर एक अच्छा वो जाता है, मैसेज जाता है समाज के लिए भी, और मैं अपने देशवासियों के लिए भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ उनको धन्यवाद देता हूँ।